Hello, namaste, vanakkam, bola marhaba, assalamu alaikum. This is your Muslim Khan. This is Fazan. You guys are watching MSK Vlogs. आज की कहानी का मुख्य पात्र KTM Duke 390 आपकी छोटी बहू. आज बातें होंगी सिर्फ और सिर्फ इस बाइक की. अच्छी बातें भी होंगी, बुरी बातें भी होंगी, लेकिन बातें होंगी तो सिर्फ और सिर्फ इसकी. September 2017 को ये बाइक लिया गया था. लगभग 10 महीना हो चुका है. 10 महीने में मैंने इस बाइक को 4,876 किलोमीटर्स चलाया है. तो उस किलोमीटर्स का ओनरशिप रिव्यू अभी होगा यहाँ पर. और इस बाइक को लेने का सिर्फ एकमात्र पर्पस इसका पावर. 373 सीसी इंजन है और 43 घोड़ा शक्ति देता है. घोड़ा शक्ति BHP हॉर्स पावर देता है ये, इसीलिए इसको लिया गया था. अच्छी बातें और बुरी बातें भी होंगी. इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक है KTM Duke 390. ये ठीक है. अब बात करते हैं कुछ अच्छी चीजों के बारे में. सबसे पहला इसके पावर के बारे में बात करते हैं. पावर 43 BHP का देता है और सफिशियंट है सिटी के लिए मेरे हिसाब से. हाईवे पे थोड़ा सा पंगा क्या होता है कि हाईवे पे आपको ज़्यादा पावर चाहिए. और हाईवे पे जब मैं इसको 120 के ऊपर लेके जाता हूँ तब क्या होता है कि हवा के झोंके से गाड़ी ऐसे डुगडुगडुगडुग होता है, तो एक वो इशू है. लेकिन हम बात करते हैं अच्छाई की, तो अच्छाई पावर. सेकेंड अच्छा है इसका कंट्रोलिंग, ब्रेकिंग, स्टेबिलिटी सुपर्ब है. इसका ब्रेकिंग ऑब्वियसली बात अच्छा होगा क्योंकि इसका 310 mm का डिस्क ब्रेक है और 320 हेल्प करने के लिए लोग 320 mm का डिस्क ब्रेक एंड ABS भी है. ABS की वजह से दो तीन बार गिरने से बचा हूँ मैं. बहुत ही काम की चीज़ है. एवरेज की बात करते हैं. अभी एवरेज आप लोग मुझे बताओ कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है. एवरेज इसका लगभग मुझे मिलता है 20 से 25, पता नहीं हाईवे में 26, 27, 30 तक भी मिलता है. मैंने कभी काउंट नहीं किया लेकिन मेरे हिसाब से 20-25 का ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता. क्योंकि मैं पेट्रोल को सोच के अगर लेता तो शायद मैं ये नहीं लेता, मैं फिर डोमिनर या फिर कोई और दूसरी बाइक लेता. लेकिन अपने को पावर चाहिए, पावर के हिसाब से मैंने ये बाइक लिया. इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है. ठीक है, अब ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होने की वजह से मैं ऑफ रोडिंग कर रहा था मालशेज घाट में और वहाँ पर एक कहानी हुई थी उसके बारे में बताएंगे. लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस इसका अच्छा है. आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो अच्छे. अगर टायर आपने अच्छा लगाया तो अच्छी अच्छी जगह पे ऑफ रोडिंग कर सकते हो. तो ये कुछ अच्छी चीज़ें थी जो मैंने देखी इस बाइक की. अब करते हैं कुछ बुरी बातें. बुरी बातों के लिए हम कोई ऐसा भूतियारा एरिया कोई है क्या यहाँ पर जहाँ पर एकदम बुरी बुरी आत्मा? नहीं नहीं, वहाँ पर नहीं, वहाँ पर नहीं. नहीं नहीं, वो कब्र, कब्रिस्तान में नहीं. नहीं नहीं, देखो ऐसी कोई भूतियारी जगह तो नहीं मिली बुरी बात करने के लिए. लेकिन पहली बुरी चीज़ इसकी कि इसका जो RPM है वो बहुत अनस्टेबल है. अगर आप इसको 40, 50, तीसरे गियर पे, चौथे गियर पे अगर फास्ट चला रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर इसको स्लो चला रहे हो तो ये गाड़ी जॉक देती है, झटका देता है. और वो झटके की वजह से तीन चार बार तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, बहुत बार झटके से गाड़ी बंद हो जाती है. अनस्टेबल RPM. ठीक है, तो ये RPM है. अभी ये है 2000 पे. दिखा आपको सबूत? दिखा, डायरेक्ट डाउन हो गया, अब ऑटोमेटिकली आप हो गया. हाँ, तो मैं इसी की बात कर रहा था, अनस्टेबल RPM. ठीक है, आपके साथ भी हुआ रहेगा. अगर आपको भी ऐसा सेम कुछ हुआ तो भाई भाई कमेंट कर दो. शिकायत है KTM वालों से कि इनके नट बोल्ट बहुत जल्दी लूज़ हो जाते हैं, जिसका खामियाना मुझे बहुत भुगतना पड़ा. रेडिएटर मैंने बोला ना आपको ऑफ रोडिंग के लिए अच्छा है, तो हम मालशेज घाट में ऑफ रोडिंग कर रहे थे. झलकी देख लीजिए. बट यहाँ पर कुछ एडवेंचर है क्या? ये इसे कहते हैं ऑफ रोड. अरे बाप, देखा, ये हम कर रहे थे और इसका नट बोल्ट ऑलरेडी लूज हो चुका था. लेग गार्ड का नट बोल्ट टूटा और जाके रेडिएटर पर लगा और रेडिएटर को कर दिया छेद, कूलेंट बाहर. अभी हमने इसको बनाया है लेकिन KTM वालों ने क्या काम करके दिया. देखिए देखिए, देखो इधर, देखो तो सही. ये उन्होंने नया लेग गार्ड लगाया है बट यहाँ का जो नट बोल्ट है, ये नट बोल्ट मैंने चेक ही नहीं किया, यहाँ का नट बोल्ट उन्होंने लगाया नहीं. तो अभी ये क्या होगा, ज़्यादा और झटका लगेगा तो वापस जाएगा रेडिएटर पर, लग रहा है. अब जाके रेडिएटर को फिर से छेद कर देगा और फिर से हमारा 5,000 रुपया घुसेगा इसके अंदर. इसको जाके वापस बनाएंगे. नट बोल्ट लूज होने का एक साइड इफेक्ट आपको दिखाया, एक और दिखाते हैं. लाइए जी, ये क्या है बताओ? मैं बताता हूँ क्या ये है. फुंतड़ू. क्या ये फुंतड़ू? ये कहाँ लगता है? यहाँ लगता है. कैसे लगता है? ऐसे लगता है. ठीक है, और ये यहाँ का नट बोल्ट
यहाँ का निकल गया और ये गिर गया ऐसे। हमें याद आया कि कुछ तो मिसिंग है, फिर हम वापस गए, वापस जाके ढूंढा तो हमें ये मिला ये। जब KTM Duke 390 लॉन्च हुई थी तभी मैंने इस बाइक को परचेस किया था और ये फर्स्ट लॉट की बाइक थी। और जिन जिन लोगों की बाइक फर्स्ट लॉट की थी उनके बाइक में ECU फिलिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, TFT स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता था उसकी प्रॉब्लम आ रही थी और गाड़ी ओवरहीट हो रही थी। तो ये चार मेजर प्रॉब्लम आ रही थी जो फर्स्ट लॉट की बाइक थी। लेकिन मेरी बाइक का कुछ और ही प्रॉब्लम था भाई, मेरी बाइक में किल स्विच हो रहा था। अब ये किल स्विच किस भला का नाम है, थोड़ा जल्दी देख लीजिए। किल स्विच का मैं आपको अभी बताता हूँ किल स्विच का प्रॉब्लम क्या है। अब ये गाड़ी है स्टार्ट, ओके। अब मैं जैसे ही लेफ्ट साइड में करता हूँ बंद हो गई, ये चल रहा है, लेफ्ट किया बंद, किल स्विच दिखा रहा है, वापस चालू किया, ओके। अब मैं न्यूट्रल पे रखता हूँ, न्यूट्रल पे है, ओके। यहाँ करूँगा कुछ नहीं होगा, सीधा पे कुछ नहीं। अब जैसे मैं यहाँ करूँगा किल स्विच, तो ये एक वायरिंग का प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लॉट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, इसके लिए KTM ने क्या किया, एक ऑफिशियल सर्विस वर्कशॉप रखा। उसमें जिन जिन की बाइक फर्स्ट लॉट में थी और प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो अपनी बाइक्स लाके वहाँ पर दिखा रहे थे और उनको जो भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे हेडलाइट में हो रहा था तो हेडलाइट रिप्लेस करके मिल रहा था, TFT स्क्रीन रिप्लेस करके मिल रहा था। तो मेरा जो किल स्विच का प्रॉब्लम हो रहा था वो थ्रॉटल की तरफ से हो रहा था, तो उन्होंने पूरा का पूरा थ्रॉटल चेंज करके नया थ्रॉटल इसमें लगा के दिया और उसके बाद वो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ किल स्विच का। तो ये चीज़ KTM की तरफ से अच्छी हुई जी। नहीं, अभी इसकी प्रॉब्लम की लिस्ट ख़त्म नहीं हुई। मैं आपको बताया था कि ये जो है ये फर्स्ट लॉट की बाइक है, फर्स्ट लॉट की बाइक, और इसका TFT स्क्रीन में अभी भी प्रॉब्लम है। इसके TFT स्क्रीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, कभी कभी ECU फेलर का वार्निंग आता है। एंड इस TFT स्क्रीन का जो जो फीचर है, ठीक है, इसका एक मेन फीचर जो है वो है कि हम कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और किसी का कॉल आता है और मैं यहाँ पर जो ये जो बटन है सेट, इसको प्रेस करूँगा तो कॉल उठ जाता है। इसको प्रेस करके जब कॉल उठाते हैं तो हेडफोन में आवाज़ नहीं आता है, मैं आईफोन यूज़ करता हूँ, डायरेक्टली आवाज़ इसमें आता है, इसके TFT स्क्रीन पर। यहाँ पर कौन सा स्पीकर लगा हुआ है जो हमें पता चलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम अभी भी है, ये ऑफिशियल ऑथराइज सर्विस सेंटर वाले को भी मैंने बोला, उन्होंने बोला ये प्रॉब्लम है, ओके। सेकेंड चीज़, इसमें मैंने दो तीन बार टाइम एडजस्ट किया, टाइम अभी भी गलत दिखा रहा है। टाइम हो रहा है 19:36, टाइम क्या हो रहा है अभी, तीन चार बार टाइम सेट किया फिर भी टाइम वापस गलत हो गया। और एक प्रॉब्लम, इसका जो ट्रिप है, ठीक है, जब मैं यहाँ से करजत गया था, काफ़ी टाइम पहले की बात है, मैंने ट्रिप सेट किया था और करजत पहुँचते पहुँचते ट्रिप हो गया था 150 किलोमीटर। सो टाइम इज 9:20 and 369 किलोमीटर। 369 किलोमीटर्स गाड़ी कैसे चल सकती है, अपने बैंड्रा से करजत 369 कैसे हो सकता है, कुछ गड़बड़ है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, KTM झोल है कुछ। मेरे को जो बाइक मिला है उसके TFT स्क्रीन में बहुत प्रॉब्लम है। मैंने आशीष से बात की, आशीष बोला कि इसको रिप्लेस करके देंगे, तो जब ये रिप्लेस करके देगा तो हम आपको बताते रहेंगे। आप कहीं जा तो नहीं रहे हो ना, इधर ही हो ना, तो बताते रहेंगे फिर आपको, कहीं जाओ मत, वैसे मैं यहीं रहूँ, क्या है कि नहीं। तो बस इतना ही, और भी है दो चार चीज़ें, लेकिन बस। आई होप आपको ये वीडियो पकाया होगा, मैं बोलने वाला, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ डे, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम।